डिफरेंट आर्टिकल्स का दूसरा यूज हम देखेंगे. इन डिफरेंट आर्टिकल्स ए और एन, इन डिफरेंट आर्टिकल्स की श्रेणी में आता है. हम पहले आपको बता चुके हैं इसका यूज, दूसरा तरीका, दूसरा इसका वे क्या यूज करने का. इन डिफरेंट आर्टिकल्स कम्स टू इंट्रोड्यूस ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन इंडिफरेंट वे. कहने का मतलब इंडिफरेंट आर्टिकल्स का यूज जो करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं, और इंडिफरेंट वे के सेंस में भी इसका यूज हम करते हैं. जैसे हम एग्जांपल लिए, आई हैव अ कार, इट रन्स वेरी वेल. कहने का मतलब मेरे पास एक कार है, बहुत तेजी से दौड़ती है, चलती है. कहने का मतलब यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसके पहले और कार का यूज किए. कहने का मतलब हम इंडिफरेंट आर्टिकल्स का यूज किए. तीसरा नियम, तीसरा रूल्स इसका क्या है, तीसरा नियम इंडिफरेंट आर्टिकल्स का, जो इंडिफरेंट आर्टिकल्स कम्स टू शो ए यूनिक इन द मीनिंग ऑफ पर. कहने का मतलब पर के सेंस में हम इंडिफरेंट आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं. कहने का मतलब द बनाना इज 10 rupees अ डजन. द बनाना इज 10 rupees अ डजन. द बनाना इज 10 rupees अ डजन. यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं द बनाना इज 10 rupees पर डजन. पर डजन के सेंस में हम ए डजन का यूज किए हैं. और यहाँ पे ए जो है ये आपका इंडिफिनिट आर्टिकल है, इंडिफिनिट आर्टिकल है, इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं. चौथा नियम क्या है इसका, इंडिफिनिट आर्टिकल्स कम्स बिफोर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, टू टेक अबाउट एन इंडिफिनिट काइंड. काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के सेंस में भी हम इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं. जैसे रेबीज इज ए काइंड ऑफ डिजीज विथ डॉग्स. रेबीज इज अ काइंड ऑफ डिजीज विथ डॉग्स. ए काइंड ऑफ है, ए काइंड ऑफ, ए सॉर्ट, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टेक ऑफ, ये सब फ्रेज के पहले हम आर्टिकल्स का यूज करके इंडिफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं. इंडिफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट हम नंबर ऑफ इंडिफिनिट, नंबर ऑफ वर्ड्स इंडिफिनिट आर्टिकल्स बिफोर इटसेल्फ टू शो ए लार्ज क्वांटिटी of an uncountable nouns in the sense of many. Many के sense में भी हम, number of के sense में भी हम indefinite articles का use करते हैं. Example, a number of students are present in my class. जैसे हम लिखते हैं पांचवा नंबर में, a number of students are present in my class. Number of के sense में भी हम indefinite articles का यूज करते हैं. एक स्ट्रक्चर आता है, उस स्ट्रक्चर नेक्स्ट हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं. मेनी प्लस ए या एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस इस स्ट्रक्चर में भी हम इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए एन का यूज करते हैं. एग्जांपल, many a student